कस्टमर एनालिसिस और रिसर्च तो आपने कर ली अब इस अगला स्टेप आता है कम्पेटिव एनालिसिस का आप अपने कस्टमर के बारे में तो जान गए हैं लेकिन आपको कंपटीशन क्या कर रहा है वो तमाम कंपनीज के जो आपके कंपटीशन में शामिल हैं वो क्या क्या चीज़ें करती हैं ऑनलाइन और किस तरीके से अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को क्योंकि जो आपका कस्टमर्स भी हो सकते हैं उनको किस तरीके से टारगेट करती हैं इस पर्टिकुलर डी प्लान के अंदर जो ये हिस्सा है इसमें आप उसके बारे में बात करेंगे और कंपेटर एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें आती हैं मैं सेशन में आपको बताऊंगा लेकिन सबसे पहले लेट्स टॉक अ बिट अबाउट कंपेटेटर्स जो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बार बार एम्फेसिस के साथ सिखाता हूँ कंपेटिटर से मुराद ये नहीं है कि कोई भी कंपनी की जो उससे मिलते जुलता काम कर रही है जो आप कर रहे हैं वो आपका कॉम्पिटिशन है बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं है हम अक्सर ये मिस्टेक कर जाते हैं कि हम पचास साठ कंपनियों के नाम लिख देते हैं उठा करके जी ये हमारे कंपेटेटर्स हैं और ये तमाम के तमाम जो हैं वो हमारे कंपटीशन में शामिल हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ दो से तीन कंपेटिटर्स उठाइए और उनको दो चीज़ों के ऊपर असेस देखिए कि क्या ये वो दो चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर वो पूरा उतरते हैं नंबर वन डू द शेयर द सेम कस्टमर पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपेरिटर बनने की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो आपका कस्टमर है वही वो उनका कस्टमर हो आप फॉर एग्जांपल मैं एक बर्गर बेचने वाला हूँ और मैं कहता हूँ कि जी मेरा कंपेरिटव मैकडोनल्ड्स भी है और मेरा कम्पेरेटर एक लाहौर के अंदर चौक में खड़ा करके जो है वो जो शामी बर्गर बेच रहा है वो भी है ये हर किस ठीक नहीं है जो शामी बर्गर खाने वाला कस्टमर है वो डिफरेंट है जो मैकडॉनल्स खाने वाला कस्टमर है वो डिफरेंट है तो मैकडोनल्स अगर आपका कम्पेटर है तो शायद शामी बर्गर वाला आपका कम्पेरेट नहीं होगा तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपका जो कंपेरटर यह कॉम्पटिशन जिसको आपने नाम दिया है वो हमेशा वो हो कि जो आपका कस्टमर और उसका कस्टमर उसके अंदर सेम हो सेकेंड रिक्वायरमेंट है कि दे हैव द सिमिलर प्रोडक्ट ऑफरिंग यानी कि जो चीज आप ऑफर कर रहे हैं उसे मिलती जुलती चीज वो कॉम्पिटिशन या कंपेटर भी ऑफर कर रहा हो वो कंपनी भी ऑफर कर रही हो आप एक हाई एंड मोबाइल फोन ऑफर करते हैं और दूसरी कंपनी जो है वो एक लो एंड मोबाइल फोन ऑफर करती है तो वो आपके कॉम्पिटिशन में नहीं है इवन दो वो मोबाइल फोन की कंपनी है लेकिन वो आपका कंपेटर नहीं है तो दो चीजें मैंने क्या बताई आपको नंबर वन के वो आपका कस्टमर शेयर करती हो सेम कस्टमर हो वो कंपनी और सेकंड वो सेम प्रोडक्ट ऑफर करती हो जो आप ऑफर कर रहे हैं अब ये अगर आप ऑडिट कर लें और आप डिफाइन कर लें कि मेरे दो से तीन ये कंपेरिटि हैं कि जिनके बारे में मैंने ऑडिट करना है तो प्रॉगली स्टेज आती है कि ऑडिट में भाई करना क्या है सबसे पहले ऑडिट में चीज आती है वेबसाइट ऑडिट जी हाँ ये हम डिजिटल मार्केटिंग प्लान बना रहे हैं मार्केटिंग प्लान नहीं बना रहे तो ये जो मार्केटिंग कि जो स्टूडेंट्स इधर उधर आप देख रहे हैं कि ओह डॉक्टर साहब ये क्या बताने लग गए हैं हमने तो मार्केटिंग प्लान में कुछ और पढ़ा है भाई ये डिजिटल मार्केटिंग प्लान है तो हम डिजिटल की बात करेंगे सिर्फ इसमें उसमें क्या चीज़ आएगी सबसे पहले वेबसाइट ऑडिट देखिए कि वेबसाइट क्या है एग्जिस्ट करती है उसका लोडिंग टाइम क्या है कितने यूजर्स उसके ऊपर आते हैं उसका डिज़ाइन कैसा है उन तमाम चीज़ों का ऑडिट कीजिए आप एक टेबल बना लें लेफ्ट साइड के ऊपर उसमें ऑडिट uh, के कंपोनेंट्स लिखे हों जिसमें फॉर एग्जांपल एक कंपोनेंट डिज़ाइन का है यूजबिलिटी का भी कंपोनेंट हो सकता है और राइट right साइड के ऊपर डिटेल लिखी हुई हो तो वेबसाइट ऑडिट इज़ द फर्स्ट थिंग द सेकेंड वन इज सोशल मीडिया कंपेरिजन सोशल मीडिया कंपेरिजन में आप उनके तमाम सोशल मीडिया प्रेजेंस जिन जिन चैनल्स पर है उन तमाम को ऑडिट करते हैं उसमें आप क्या चीज़ें देखते हैं उसमें देखते हैं ऑडियंस ग्रोथ रेट क्या है कितनी तेज़ी से ऑडियंस ग्रो हुई है उनके तमाम सोशल मीडिया uh, जो चैनल्स हैं उनके ऊपर

वो किस तरह के कीवर्ड्स को यूज़ कर रहा है आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा डिग डीप करना पड़ेगा रिसर्च करनी पड़ेगी और फिर आप अपने कीवर्ड्स के साथ उसको मैच करेंगे आगे चल के और जेन में रखिए कि गूगल के प्लेटफॉर्म के ऊपर कीवर्ड्स आर द किंग तो अगर कीवर्ड्स अच्छे हैं तो एक फियर्स कॉम्पिटिशन आपस में होगा और कॉम्पटिशन होगा तो फिर या आप जीत रहे होंगे या आपका कम्पेटर जीत रहा होगा तो दोस्तों कंपेरिटिव एनालिसिस के अंदर डिजिटल मार्केटिंग प्लान में बस ये तीन चीज़ें हैं जो उसका हिस्सा बनती हैं और इन तीनों चीज़ों को आप इंटीग्रेट करें और डिटेल के अंदर ऑडिट दीजिए और जब आप ये ऑडिट अपने क्लाइंट के सामने रखेगा तो वो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि उसकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि, कि अच्छा मेरा कंपेरिटर यानी कि मेरी जो कंपटीशन में कंपनी हो ये ये काम कर रही है तो मैं तो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं कर रहा या मैं शायद इसे ज़्यादा कर रहा हूँ तो इसका फ़ायदा आपको भी होगा एज ए फ्रील क्योंकि आपका एक अच्छा इंप्रेशन डलेगा और क्लाइंट को अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल रही है इसके थ्रू